अमेरिका की धरती पर हूं तो यहाँ की संस्कृति के अनुरूप आज फादर्स डे है और भगवान महावीर ने श्रावक श्राविकाओं के लिए भी कहा है कि कुछ कुछ श्रावक श्राविका ऐसे होते हैं जिनको भगवान महावीर ने कहा अम्मा पियू समाना, अम्मा पियू समाना यानी कि माता पिता के तुल्य होते हैं। क्यों कहा ऐसा भगवान महावीर ने? माता पिता क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं? वो बच्चे का संरक्षण करते हैं, वो बच्चे का संवर्धन करते हैं। यहां तक भी अगर एक शेर भी आ जाए तो मां उससे भिड़ जाएगी किंतु बच्चे को आंच नहीं आने देगी। इस तरह से माता पिता बच्चे का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं और ऐसे श्रावक श्राविकाओं के लिए भगवान महावीर कहते हैं अम्मा पियू समाना। तो मैं आज ऐसे श्रावक श्राविकाओं को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूं। दूसरे में शिकागो की धरती एक प्रेरणादायी धरती है। मैंने देखा है शिकागो में हर कोई कार्य जो होता है, मैं सच्ची में बताऊं अगर इस समय कोई थर्मामीटर हो और मेरी प्रसन्नता को अगर नापे वो थर्मामीटर, मैं ये कह सकता हूं कि 3.5 करोड़ रोम कहलाते हैं शरीर में, हर रोम इस समय मेरा पुलकित है। उसका कारण है मैं अभी कह रहा था अपने परेश भाई को, प्रज्ञेश भाई को, कि अगर ये ज्ञानशाला पाठशाला मेरे गांव में नहीं होती तो ये लोकेश मुनि आपको रखड़ता हुआ कहीं इंडिया की गलियों में मिलता, लोकेश मुनि नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं और सच्ची बता रहा हूं, कल मैं राम भाई को राम कहानी सुना रहा था, इन्होंने पूछा था मुझे कि आप महाराज क्यों बन गए, कैसे बन गए, क्या होगा आपके जीवन में। मैं लंबा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना सा आपसे अवश्य कहना चाहूंगा, मेरे गांव में एक संत आए, उनका बाह्य व्यक्तित्व तो बहुत खूबसूरत था किंतु उनका आंतरिक व्यक्तित्व तो उससे भी अधिक खूबसूरत था। वो जब प्रवचन देते थे तो मैं तो छोटे से गांव से हूं, ना कोई सिनेमा हॉल है ना कोई बाग बगीचा है, कर्फ्यू लग जाता था गांव में, सारे के सारे लोग महाराज के स्थान पर उपाश्रय में, सभा भवन बोलते हम लोग, वहां पर मिलते थे। मैं मात्र 12-13 वर्ष का था, अभी का तो 12-13 वर्ष के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मैं अपनी तुलना करूं, मैं एक नंबर का बरगू मूर्ख ढेला जिसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं खींचा चला गया उनकी तरफ कि मुने मुझे इनकी तरह बनना है। बस वो इनकी तरह बनने का एक भाव ऐसा पैदा हुआ, उसी एक चातुर्मास में मैंने 25 बोल प्रतिक्रमण 9 तत्व सर्व द्रव्य भक्तामार जितना ज्ञान होता है सब घोल करके एक साल में मैं पी डाला मैंने। लेकिन आज जो कुछ भी हूं तो मैं आज के अवसर पर ये जितने भी प्रशिक्षक हैं इन सबको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप जैन समाज की नींव को मजबूत कर रहे हो, फाउंडेशन ये जो संस्कार दे रहे हो ना, और मैं ठीक कहता हूं जो संस्कार बचपन में पढ़ते हैं वो ता उम्र काम करते हैं, जीवन भर काम करते हैं, और उन संस्कारों का निर्माण, मेरे गुरुदेव ने कहा है संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। आप भले ही बच्चों को कितने मिलियन डॉलर देके गए उससे भी बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा पूत सपूता क्यों धन संचय, और ये भी कहा कि पूत कपूता क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो वो मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर इकट्ठे कर लेगा, और पूत कपूत है तो आप भले ही बिलियन ट्रिलियन डॉलर देके जाओ वो ऐसे ही उड़ा करके नाश कर देगा। इसलिए ये सारे टीचर संस्कार देने वाले बधाई के पात्र हैं, साथ साथ में ये जो पेरेंट्स बनते हैं। दूसरे में मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन पेरेंट्स को, मात्र उन्हें 2 छुट्टी मिलती है शनिवार और रविवार, बाकी तो यहाँ मशीनी जिंदगी है, किस्तें चुकाने में जिंदगी चली जाती है, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं यहाँ पर और घंटों घंटों साथ बैठ करके केवल यही भाव है
कि हमारे बच्चों में संस्कार सुरक्षित रहे, इसलिए जितने पेरेंट्स हैं वो भी साधुवाद के पास। और तीसरे में मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ये आजकल वीडियो गेम मोबाइल उस सब को छोड़ करके, मुझे तो नाम लेनी है, पबजी बब्जी क्या चलते हैं आपके, उस सब को छोड़ करके आते हैं जो बच्चे, सचमुच में इन बच्चों के लिए डबल तालियों की धन्यवाद करूंगा।